शादी से पहले आनंद संग ऐसा बर्ताव करते थे अनिल। बेटी की फिल्म में अश्लील सीन पर तोड़ी चुप्पी अनिल कपूर की ऊर्जा देखकर कोई भी धोखा खा सकता है कि वह 61 साल के हैं। लुक्स और स्टाइल के मामले में तो वह अपने बच्चों को भी पछाड़ देते हैं। अनिल कपूर अब तो ससुर भी बन चुके हैं, मगर ऐसा लगता है वह इस बात को मानना नहीं चाहते। वह तो आनंद आहूजा को दामाद तक नहीं मानते। अनिल कपूर ने कहा कि आनंद आहूजा उनके दामाद नहीं बल्कि दोस्त हैं। उन्होंने कहा, ससुर क्या होता है, मैंने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि मैं आनंद का दोस्त हूँ, ससुर नहीं। अनिल कपूर ने बताया कि सोनम से शादी से पहले ही आनंद उनके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। एक्टर ने कहा, हम यार पहले हैं, रिश्तेदार बाद में। अनिल कपूर ने सोनम कपूर की शादी के बाद उनके करियर को लेकर उठ रहे सवालों पर भी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि फिल्म वीरे दी वेडिंग की सफलता से सोनम कपूर ने साबित कर दिया कि शादी के बाद एक एक्टर की लोकप्रियता कम नहीं होती। उन्होंने कहा, जब मेरी शादी सुनीता से हुई थी तब कई लोगों ने कहा कि मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि शादी के बाद मेरा करियर तेजी से आगे बढ़ा। अनिल कपूर ने बेटियों की फिल्म वीरे दी वेडिंग को प्रोड्यूस भी किया है। फिल्म के डायलॉग्स और कुछ सीन्स पर हुए बवाल पर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा, जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मुझे इसके डायलॉग्स में कोई बुराई नहीं नजर आई, एडल्ट ऐसी ही भाषा में बात करते हैं। फिल्म में जो भी डायलॉग्स और सीन थे वे सेंसर बोर्ड के नियमों के अनुसार ही थे। अनिल कपूर की फिल्म रेस 3 ने रिलीज होते ही टिकट खिड़की पर झंडे गाड़ दिए हैं। फिल्म ने रिलीज के पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। सलमान खान के बाद अब वे ऐश्वर्या राय के साथ भी जल्द नजर आएंगे। उनकी फिल्म फर्न खान सितंबर में रिलीज होगी। इसके अलावा वे बेटी सोनम कपूर के साथ फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में भी नजर आने वाले हैं।